नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, स्पॉटलाइट एक ऐसा मंच है जहां पर अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, अलग अलग समाज सेवी आते हैं। कोई शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ होता है तो कोई किसी और संस्थान से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही लोगों को आपसे मिलवाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, या फिर कहें कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आप तक पहुँच जाए। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी। ये डॉक्टर MB मोदी जी हैं जो रिटायर्ड हैं DRDO से और ये वैज्ञानिक हैं, तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मोदी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो जैन दर्शन है एक वैज्ञानिक दर्शन है, कैसे? एक वैज्ञानिक के नाते मैं आपसे ये कह सकता हूँ, जैन दर्शन केवल वैज्ञानिक दर्शन नहीं है, जैन दर्शन स्वयं विज्ञान है। जैन दर्शन में यह सिद्ध किया गया है कि विश्व के अस्तित्व के लिए ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। विश्व स्वयं प्राकृतिक नियमों से अपना अस्तित्व बनाए रखता है। जैन दर्शन में इन प्राकृतिक नियमों का कथन उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार इन नियमों का कथन विज्ञान के टेक्स्ट बुक्स में पाया जाता है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम यह बताया गया है कि विश्व के शाश्वतता का मुख्य कारण द्रव्य संरक्षण नियम है, जिसे विद्यार्थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के रूप में जानते हैं। जैन आगमों में इस लॉ की शुरुआत ही उत्पाद व्यय द्रव्य के नाम से की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जीव और परमाणु की न उत्पत्ति होती है न उनका विनाश होता है, वे सदा शाश्वत रहते हैं। एक भी परमाणु न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, उसी प्रकार एक भी जीव न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, परमाणु और जीव केवल रिसाइकल्ड होते हैं। और रिसाइकलिंग नेचर का बेसिक प्रिंसिपल है जिससे विश्व शाश्वत रहता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जैन धर्म में परमाणु, आत्मा, कर्म, परमात्मा, मोक्ष आदि की चर्चा की गई है, जो क्वांटम फिजिक्स के विषय है। अर्थात क्वांटम फिजिक्स की चर्चा भी जैन दर्शन में पाई जाती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में आप सब जानते हैं कि उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति जेनेटिक कोड के कारण या DNA के कारण होती है। जैन दर्शन में यह बताया गया है कि जो कर्म है, फोर्स है, मोमेंटम है, यही जो है उत्पत्ति का कारण है, और यदि यह बंध जाता है तो वो बंध एक कोड की तरह काम करता है, और यदि इस कोड को नष्ट कर दिया जाए तो जन्म मरण से मुक्ति होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि संपूर्ण उत्पत्ति, विकास, विनाश आदि का विज्ञान जैन दर्शन में उसी प्रकार से जो है प्रदर्शित किया गया है जिस प्रकार हम विज्ञान में पाते हैं। तो मोदी जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि जैन दर्शन के अंदर क्वांटम फिजिक्स की चर्चा की गई है, तो किस प्रकार की गई है वो चर्चा? देखिए, क्वांटम फिजिक्स में यह बताया गया है कि विश्व का मूल स्वरूप दिखाई देने में तो मैटर और एनर्जी है, परंतु मैटर और एनर्जी में कोई भेद नहीं है। तो मूल स्वरूप विश्व का केवल अनंत असीम ऊर्जा है। जैन दर्शन में भी सर्वप्रथम यही कहा गया है कि विश्व का मूल स्वरूप अनंत रिक्त स्थान आकाश है,
और आकाश रिक्त स्थान नहीं है, वह स्वयं एक द्रव्य है। द्रव्य का अर्थ है एनर्जी, तो एनर्जी के समान एक द्रव्य है जिसका अवगाहन गुण है। अवगाहन गुण को वैज्ञानिक ग्रेविटेशन एनर्जी कहते हैं। तो सर्वप्रथम खोखले असीम काकाश को ग्रेविटेशन एनर्जी का नाम जैन दर्शन में दिया गया है और लगभग 2500 वर्षों के पश्चात इसी को आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशन फील्ड कहा। आइंस्टाइन से पहले न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटेशन केवल पृथ्वी में है, पृथ्वी का, और जैन दर्शन में कहा गया था नहीं, ग्रेविटेशन संपूर्ण अंतरिक्ष ग्रेविटेशन का फील्ड है। और आइंस्टाइन ने 1915 में इसी की खोज की, जिसे विश्व जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाता है, और वैज्ञानिक और आइंस्टाइन इसी खोज से विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बने थे। तो मोदी जी, जैन दर्शन के अंदर विश्व उत्पत्ति की जो बारे में चर्चा की गई है वो कैसे की गई है? हाँ, जैन दर्शन में यह बताया गया कि विश्व का मूल स्वरूप एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम आकाशास्तिका या ग्रेविटेशन बताया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि जो एनर्जी होती है उसमें परिणमन या परिवर्तन या कर्म होते हैं। परिणमन के कारण अरूपी, अमूर्त, निराकार आकाश आकार लेता है। उस आकार को आध्यात्मिक भाषा में पर्याय कहते हैं, विज्ञान के भाषा में उसी को जो फिजिकल फॉर्म्स कहते हैं। तो इस प्रकार परिणमन के कारण, और परिणमन का अर्थ आप जो एक तरह से वाइब्रेशंस कह सकते हैं, तो वाइब्रेशंस के कारण एनर्जी में जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस फिजिकल फॉर्म लेते हैं। और दृष्टा को, मतलब व्यक्ति को, वाइब्रेशन वेव एक पॉइंट के जैसे दिखती है, पार्टिकल के जैसे दिखती है। तो इस प्रकार वेव और पार्टिकल की उत्पत्ति है, होती है, जिसका विज्ञान, संपूर्ण विज्ञान जैन दर्शन, जैन आगमों में दिया गया है। जिस प्रकार का वर्णन हम विज्ञान के पुस्तकों में पाते हैं, उसी प्रकार का वर्णन आप जैन दर्शन में भी पाएंगे, जैन आगमों में भी पाएंगे। अंतर इतना ही है कि जैन आगमों में गणित के फॉर्म में इनका एक्सप्रेशंस नहीं है। तो जो जैन दर्शन है वो एनर्जी और परमाणु या एटम का विज्ञान है, और वर्तमान समय में एनर्जी और पार्टिकल के साइंस को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन में उत्पत्ति क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों के द्वारा बताई गई है। तो मोदी जी, आप यहाँ पर आए और इस मंच के माध्यम से आपने लोगों तक इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाई, खासकर आपने लोगों को बताया विज्ञान के बारे में, जैन धर्म के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, स्पॉटलाइट में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक और खास मेहमान से, तो रुकते हैं।